हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ मी मास्टर सालेस और आज की इस वीडियो में मैं आपको अबाउट थ्रॉट बताने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, समझते ये नहीं आप जा करके कहीं पे गलत इस्तेमाल कर दोगे, इसका किसी को मार दोगे और वो अपनी जान से हाथ धो बैठे, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं आपको एक अपनी जान बचाने का टेक्निक बता रहा हूं, इसका दुरुपयोग बिल्कुल मत कीजिएगा। एक ट्रस्ट के साथ ही कोई मार्शल आर्टिस्ट ऐसी खतरनाक चीज़ें किसी को बताता है तो ट्रस्ट बिल्कुल मत तोड़िएगा। और इसको इस्तेमाल करने से पहले एक बार ये ज़रूर सोच लीजिएगा कि ऐसा तो नहीं कि आपकी छोटे से ट्राई से किसी बेकसूर आदमी की जान चली जा रही, तो इस चीज़ को देख करके तभी कोई सा भी एक्शन लेने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अब बताता हूँ कि किस तरीके से इन टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं आप, और गले के अंदर कौन कौन से ऐसे वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आपको हिट करना है, और उस हिटिंग से क्या रिस्पॉन्स निकल करके आएगा, और किस तरीके से आप मजबूत से मजबूत इंसान को अपने वश में कर सकते हो या उसके ऊपर ऐसा लॉक लगा सकते हो उसे चक्कर आ जाए या वो बेहोश होकर गिर जाए। ये पूरी टेक्निक आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, एक एक पिन पॉइंट तक बताऊँगा, एंड तक बने रही वीडियो के अंदर। और अगर आप बेहतरीन से मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। क्यों लेते हैं लिखिएगा आई वॉन्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग एट होम। इसी मंथली फीस होती है 500 रुपीज़, और ब्लैक बेल्ट तक का कोर्स आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। हमारे थ्रू दिया गया सर्टिफिकेट आपको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस किसी भी सेक्टर में काम आएगा, और उस वर्क के थ्रू आप बहुत आगे तक जा सकते हैं, अपना क्लब वगैरह भी ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो नेक होता है वो 3 चैप्टर में बटा हुआ होता है। कौन कौन से 3 चैप्टर होते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे तरीके से। सीधा जो नोड आप सामने की नोड देख रहे हैं, ये काफ़ी नाजुक मानी जाती है, और इस जगह पे अटैक करने से इंसान की डेथ भी हो सकती है। जो सामने की नोड है इसके ऊपर कभी भी आपको पावरफुल अटैक नहीं करना है, ठीक है। अब गर्दन को हल्का सा हम ट्विस्ट कर लेते हैं, ये देखिए। अब जो सामने की ये नस खड़ी हो रही है, एक्चुअल में ये नस नहीं है, ये एक मांसपेशियों का गुच्छा है जहाँ पे अटैक करने से आँखों की रोशनी जा सकती है। पावरफुल अटैक होगा तो यहाँ से आँखों की रोशनी जा सकती है। हम लोग ये सोचते हैं ये नस है और नस खड़ी हो रही है, एक्चुअल में ये मांसपेशियाँ हैं। नस इसके काफ़ी अंदर 2 से 3 इंच अंदर होती हैं, वहाँ तक अटैक नहीं पहुँचता। वहाँ तक अटैक पहुँचेगा तो बंदा पैरालिसिस भी हो सकता है उसे, और उसकी जान भी जा सकती है। वहाँ तक अटैक पहुँचाना सबके बस की बात नहीं होती है। कई लोग इस पे अंगूठे के प्रेशर से आँखों की रोशनी तक गायब कर सकते हैं, ये बात सच है। और इसके बाद अगर हम इस साइड को देखते हैं, साइड में, तो यहाँ पे आपको जो ये कट नज़र आता है, हड्डी का कट नज़र आता है, वहाँ पे अगर आप प्रेशर देते हैं तो ये पूरा पूरा प्रेशर ब्रेन के ऊपर जाता है, क्योंकि यहाँ एक लेपेनेस होती है जो कि ब्रेन से जुड़ी हुई होती है, और उस पर अटैक करने से या उस पर प्रेशर डालने से आँखों के सामने तुरंत अंधेरा छा जाता है, तुरंत अंधेरा हो जाता है आँखों सामने, और आपको कुछ टाइम के लिए दिखना बंद हो जाता है, आप नर्वस हो जाते हो। सामने के नोड की बात करें, अगर ये जो नोड सामने खड़ा होता है, जो आप लोग अक्सर देखते हैं कि एक आगे की तरफ कुछ मूवमेंट बना होता है नोड के अंदर, ये एक्चुअल में निवाले को करेक्ट करने के लिए और उसको लिफ्टिंग करने के लिए, यानी कि आपने कुछ माउथ में कुछ खाया या पानी पिया तो उसको ये अपनी जगह पे एडजस्ट करके नीचे ले जाने का काम करता है। वहाँ पे थोड़ा सा एयर भी होता है, उस एयर को वो आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर आप उसमें इंजेक्ट कर देते हैं तो बंदा बेहोश हो जाता है, ठीक है। हालांकि ऐसा करना नहीं, इस सामने के थ्रोट से आपको थोड़ी सी दूरी बना के रखनी है रोड फाइट के अंदर। इनके सामने ये पकड़ भी ले रहा है तो मैंने कई वीडियो में बताया कि इसके ऊपर प्रेशर देना है, प्रेशर इतना टफली नहीं दे देना है कि बंदे की डेथ हो जाए, हल्का सा रख करके आप इसे फोर्स कर सकते हैं। ज़्यादा झटके से नहीं हिट करना है इसके ऊपर, कभी भी झटके से हिट करेंगे तो इंसान की डेथ हो सकती है। अब बात करते हैं नेक के बैक साइड की। अब आप सोच रहे होंगे कि नेक के पीछे जो होता है वो तो काफ़ी मजबूत हिस्सा होता है, तो किक भी पड़ जाती है तो, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये हिस्सा काफ़ी कमज़ोर होता है, सामने से ज़्यादा ये हिस्सा कमज़ोर होता है। यहाँ पे 4 बोन के जॉइंट्स होते हैं, 4 जॉइंट्स होते हैं जिसके बिहाव पे आपका नेक जो है ऊपर नीचे और दाएं और बाएं की तरफ घूमता है, जिसे आप साइड टू साइड रोटेट भी करवाते हैं, ठीक है। वो एक ऐसा लिगामेंट होता है जो लिगामेंट से लिगामेंट को अटैच करता है, ठीक है, इसीलिए आपकी गर्दन चारों तरफ घूम पाती है। तो इस जगह पे पावरफुल अटैक करने से गर्दन ब्रेक हो जाती है, यानी गर्दन टूट जाती है, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा आप उठपटांग सो जाते हैं तो यहाँ पे एयर आता है, जिसकी वजह से आपकी गर्दन कभी सीधी नहीं होती है जब तक आप उसमें मेडिसिन नहीं लेते या और कुछ प्रोसेस नहीं करते। तो इस हिस्से पे अगर आप चाप की मदद से या पंच की मदद से अटैक करते हैं तो तुरंत बंदे की गर्दन टूट सकती है या वो बेहोश होकर के ज़मीन पे गिर सकता है। दोस्तों देखते हैं कि इस नस के जस्ट पीछे वाली जो चीज़ें हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नसें, कम से कम 8 नसें वहाँ से गुजरी होती हैं, जो कि सीधे जा करके आँखों में ब्रेन के ऊपर टच करती हैं, यानी कि हम कुछ खाते भी हैं तो हमारा ब्रेन उसको
मैसेज पहुंचाता है कि हमने कुछ खाया या हमें कुछ चोट लगी, तभी आपको एहसास होता है उस चीज़ का। वो नस यहीं से होके गुजरी होती है। अगर इसके ऊपर आप अपने एल्बो से या कोहनी से या किसी भी ऐसे धारदार चीज़ से अटैक कर देते हो तो इंसान तुरंत ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी। ये एक सबसे नाजुक हिस्सा होता है गर्दन का, और गर्दन के अंदर इसके सामने ही काफ़ी ज़्यादा मांसपेशियाँ भी भरी हुई होती हैं। यहाँ की चोट अक्सर कठिन चोट मानी जाती है और इसकी वजह से इंसानों की डेथ भी होती है। ये कुछ टेक्निक्स थी जिसके बिहाफ पे आप अपोनेंट को बुरे तरीके से इंजर्ड कर सकते हैं या उसे अपने वश में कर सकते हैं। जो भी टेक्निक्स मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताए हैं उसको अच्छे तरीके से यूज़ कीजिएगा, ना कि उसका अनयूज़ कर दीजिएगा, मिसयूज़ कीजिएगा। ये टेक्निक अगर आपको पता है पहले से तो उसको ये बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि इससे कितनी बुरी तरीके से आप अपोनेंट को इंजर्ड कर सकते हो। एंड दोस्तों, एक आप लोगों को बात बताना है कि ये है ट्रिपल लॉन्चर, जो कि देखने में जितना ज़्यादा खूबसूरत है उतना ही अच्छे तरीके से बना हुआ है। एक्चुअल में मुझे ये एक स्टूडेंट ने गिफ्ट किया है, अवनीश भारती इनका नाम है, रुद्रप्रयाग उत्तराखंड के रहने वाले हैं। और इन्होंने, इनकी खास बात यह है कि लगभग 55-56 साल की उम्र में इन्होंने मार्शल आर्ट शुरू किया और ब्लैक बेल्ट हुए हैं, और ब्लैक बेल्ट होने के साथ साथ अपना क्लब भी रन कर रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में अच्छा खासा स्टूडेंट है इनके पास। इन्होंने खुद से एक ट्रिपल लॉन्चर बना करके मुझे दिखाया है, तो मुझे काफ़ी पसंद आया। हैंडमेड चीज़ है, बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत खूबसूरत चीज़ है, और सीखने के लिहाज से, जो बिगनर्स होते हैं ना, सीखने के लिहाज से काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आप सीखने जाते हो तो डायरेक्ट हैवी चीज़ से सीखना शुरू करोगे तो आपको इंजरी वगैरह भी आ सकती है। तो ये इतनी हल्की सी और इतनी सॉफ्टली चीज़ है कि जिससे आप आसानी से सीख सकते हो। और इसके लिए मैं इनके ब्रेन को हैट्स ऑफ करता हूँ कि काफ़ी अच्छा इन्होंने दिमाग लगाया इसके लिए। देखिए, ऊपर कैप का यूज़ किया है, पाइप का यूज़ किया है, और रोप, जिस रोप से आपके हाथ में इंजरी ना आए उस रोप का इस्तेमाल किया गया है। और इसके शो ऑफ बढ़ाने के लिए इसके ऊपर रेड कलर की टेपिंग डाली गई, जो कि इसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत कर देती है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कर देती है। तो बहुत अच्छा वर्क किया अवनीश जी, हैट्स ऑफ है आपको ऐसे वर्क के लिए। बस एक रिक्वेस्ट आपसे ये करूँगा कि इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दें, ताकि ये यूज़ करने में या चलाने में काफ़ी ज़्यादा बड़े लोगों के लिए भी इजी पड़े। अभी ये बच्चों के लिए है, बट बड़े लोगों के लिए भी इसमें कम से कम 1 फीट की दूरी और बढ़ा दी जाए तो काफ़ी अच्छा ट्रिपल लॉन्चर हो जाता है। और काफ़ी कम खर्च में इन्होंने इस चीज़ को बनाया है, तो बहुत ही अच्छा वर्क किया है इन्होंने। हैट्स ऑफ ऐसे वर्क के लिए। तो गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे हिट कर लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।